मिल रही है कोलकाता से जानकारी मिल रही है कि यहां पर बड़ा बाजार में भयंकर आग लगी है और इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुश्किलें ये हैं कि बहुत ही सकरी गलियां होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किलें हो रही हैं। तंगली होने की वजह से राहत में परेशानी हो रही है और बहुत भयंकर आग की खबरें यहां से। दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग लगने की वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग भयानक तरीके से लग रही है और लगातार आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें हैं। बड़ा बाजार में आग लगी है, बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां भी यहां पर राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं। मनोगेस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई। मनोगे, फिलहाल क्या जानकारी है? फिलहाल 20 से अधिक दमकल काम कर रही हैं। बड़ा बाजार का इलाका बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड इलाका होता है। कंजेस्टेड के साथ साथ इतनी ज्यादा छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर और उतनी ही पुरानी इमारतें हैं। जितना वहां पर कमर्शियल इलाका है उतना ही रेजिडेंशियल इलाका है। एक ही बिल्डिंग में कई मकान होते हैं, कई किराएदार होते हैं, कई रहने वाले होते हैं। ऐसे में पुलिस के साथ साथ दमकल विभाग अभी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार कोई अंदर तो नहीं फंसा है। जितने भी लोग हैं उन्हें निकाला जा चुका है। 3 तल्ला मकान है ये, 3 नंबर अमृतला लेन के आसपास का इलाका है ये जी। और इस इमारत में आग लगने के कारण फिलहाल अभी तक नहीं पता लग सके हैं। मनोगे, क्या आसपास के इलाके को भी खाली कराया? और जैसा कि आपने कहा कि तंग गलियां होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं, ये आग लगातार फैल रही है, इस तरह की तस्वीरें में नजर आ रही है और बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम भी वहां हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, रेजिडेंशियल इलाका है बड़ा बाजार, कोलकाता के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। सबसे ज्यादा आबादी अगर पर डेंसिटी अगर आप बोले तो वो बड़ा बाजार की है और आसपास के इलाकों को और बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर इलाके के लोगों को भी हटा दिया गया है, खास तौर से महिलाओं और बच्चों को जल्द से जल्द सुरक्षित इलाके पर ले जाया गया है। कम से कम वहाँ से 10 से 25 फीट की दूरी पर रखा गया है सबको। और ये जानने वाली बात है कि जो मंत्री हैं वो खुद वहाँ पहुँचे हैं, अग्निशमन विभाग के मंत्री शोभन चैटर्जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ साथ बाकी दमकल के अधिकारी भी लगातार काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोगे इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। जबरदस्त आग लगी है, 20 दमकल की गाड़ियां वहां मौजूद है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए।